ओम भूरभुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये महर्षि रामना से बातचीत का 27वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 16 दिसंबर 1936 की बातचीत संख्या नंबर 295 से। एक गुजराती सज्जन श्री नटवरलाल पारिख अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में बड़ौदा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर यहाँ मिलने आई हैं। अति उत्तम वस्त्र पहने सजग नव युवक हैं जिन्हें अपने सद्गुणों का भान है। उन्होंने एक लिखित प्रश्नावली श्री भगवान के समक्ष रखी। भक्त कृपया आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद को साक्षात करने में मेरी सहायता करें। महर्षि आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद का एक ही अर्थ है, अर्थात आत्मा। आत्मा नित्य साक्षात है, अन्यथा उसमें आनंद नहीं होगा। यदि यह शाश्वत नहीं होगी तो इसका प्रारंभ भी होगा, जिसका आदि है उसका अंत भी है। इस प्रकार वह केवल अस्थाई होगी। अस्थाई अवस्था की इच्छा करने का कोई लाभ नहीं है। वास्तव में यह बिना प्रयास के निरंतर जागरूक शांति की अवस्था है। बिना प्रयास के जागरूक बने रहना ही आनंद की अवस्था है, यही साक्षात्कार है। भक्त मैं बौद्धिक उत्तर नहीं चाहता, मैं उन्हें व्यावहारिक चाहता हूँ। महर्षि हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान में बौद्धिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं हूँ, क्या इसे कुछ अधिक साक्षात करना है? भक्त यह मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि तुम्हारा अस्तित्व है, तुम कहते हो मैं हूँ, इसका अर्थ है अस्तित्व। भक्त किंतु मुझे उसके बारे में अर्थात अपने अस्तित्व के संबंध में निश्चय नहीं है। महर्षि अरे फिर अब कौन बोल रहा है? भक्त मैं निश्चय ही, किंतु मेरा अस्तित्व है अथवा नहीं, मुझे इसका निश्चय नहीं। इसके अतिरिक्त अपने अस्तित्व को स्वीकार करने पर भी मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। महर्षि अस्तित्व का निषेध करने वाला कोई होना आवश्यक है। यदि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, न कोई प्रश्न करता है और न कोई प्रश्न उठा सकता है। भक्त हम यह मान लें कि मेरा अस्तित्व है। महर्षि तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे हुआ? क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं देखता हूँ आदि। महर्षि तब तुम्हारा आशय यह है कि तुम इनसे अपने अस्तित्व का अनुमान लगाते हो। इसके अतिरिक्त सुषुप्ति में अनुभूति विचार आदि का अभाव है, फिर भी अस्तित्व है। भक्त किंतु नहीं, मैं गहन निद्रा में था, ऐसा मैं नहीं कह सकता। महर्षि क्या तुम सुषुप्ति में अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? भक्त मैं सुषुप्ति में हो भी सकता हूँ अथवा नहीं भी हो सकता हूँ, ईश्वर जानता है। महर्षि जब तुम नींद से जागते हो, तब सोने से पहले जो तुम करते हो वह तुम्हें स्मरण रहता है। भक्त मैं कह सकता हूँ कि मैं सुषुप्ति से पहले तथा बाद में था, किंतु मैं नहीं कह सकता कि मैं सुषुप्ति में था। महर्षि क्या तुम अब कहते हो कि तुम सो रहे थे? भक्त हाँ,
महर्षि, जब तक तुमको सुषुप्ति की अवस्था का स्मरण नहीं है तुम यह कैसे जान सकते हो? भक्त, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सुषुप्ति में मेरा अस्तित्व था। इस प्रकार अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से कोई लाभ नहीं। महर्षि, क्या तुम्हारा आशय यह है कि प्रत्येक बार जब व्यक्ति सोता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा जागते हुए पुनर्जीवित होता है? भक्त, संभव है, केवल परमात्मा जानता है। महर्षि, तब परमात्मा ही आकर इन पहेलियों को हल करे। यदि निद्रा का अर्थ मृत्यु होता तो व्यक्ति निद्रा से मृत्यु के समान ही भयभीत होता। इसके विपरीत निद्रा की इच्छा की जाती है। यदि उसमें सुख नहीं होता तो सुषुप्ति की कामना क्यों की जाती? भक्त, निद्रा में कोई निश्चित आनंद नहीं है। शारीरिक थकान से निवृत्त होने के लिए ही सुषुप्ति की कामना की जाती है। महर्षि, हाँ यह ठीक है। थकान से निवृत्त होना, कोई है जो थकान से निवृत्त है? भक्त, हाँ। महर्षि, इस प्रकार तुम सुषुप्ति में भी हो और अब भी हो। सुषुप्ति में तुम विचार, अनुभूति आदि से सुनने रहकर भी प्रसन्न थे, वही अभी भी है। अब तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? भक्त, यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां प्रसन्नता है? महर्षि, प्रत्येक व्यक्ति कहता है सुख महम स्वापसम, मैं आनंद से अथवा सुख से सोया। भक्त, मैं नहीं समझता कि वे ठीक है। वहां सुख नहीं है, वहां केवल दुख का अभाव है। महर्षि, आनंद ही तुम हो, इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं आनंद से सोया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति सुषुप्ति में मूल शुद्ध अवस्था में रहता है। जहाँ तक दुख का संबंध है, दुख है ही नहीं, वह है कहाँ, जिससे कि तुम सुषुप्ति में उसका अभाव बताओ। आत्मा की देह से वर्तमान मिथ्या तादात्म्यता के कारण सब भ्रांतियां उदय हुई हैं। भक्त, मेरी आकांक्षा साक्षात्कार की है। मुझे अपने अंतस्थ आनंद में स्वरूप का भान नहीं होता। महर्षि, क्योंकि अब आत्मा की अनात्मा से तादात्म्यता हो गई है, अनात्मा भी आत्मा से पृथक नहीं है, तथापि मिथ्या धारणा यह है कि देह पृथक है तथा आत्मा को देह से मिला दिया जाता है। आनंद के व्यक्त होने के लिए इस मिथ्या तादात्म्यता को समाप्त करना होगा। भक्त, मैं स्वयं यह करने में असमर्थ हूँ। इंजीनियर महाशय ने गुरु के प्रति समर्पण करने को कहा। भक्त, स्वीकार है। महर्षि, आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम कहते हो यह स्पष्ट नहीं है। देखो, तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा आती है? तुम्हें बताया जा चुका है कि मिथ्या तादात्म्यता से ही बाधा है। इस गलती का निरसन कर दो। अपने रोग से निवृत्त होने के लिए चिकित्सक द्वारा बताई गई औषधि रोगी को स्वयं ही सेवन करनी होगी। भक्त, रोगी स्वयं की सहायता करने में अत्यंत दुर्बल होने से चिकित्सक के हाथों में पूर्णतया समर्पण करता है। महर्षि, चिकित्सक को चिकित्सा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा रोगी को बिना कुछ कहे केवल शांत रहना आवश्यक है। इसी प्रकार चुप हो जाओ, यही सहज है। भक्त, यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि भी है। अन्य प्रश्न जो उसने लिखे थे वे निम्न थे। भक्त, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में मुझे संतुष्ट करें। महर्षि, आत्म साक्षात्कार ही इस प्रकार की संतुष्टि है। भक्त, पुरस्कार के साथ प्रारब्ध का क्या संबंध है? महर्षि,
प्रारब्ध कर्म है, इसके लिए कर्ता होना चाहिए। देखो कर्ता कौन है, पुरस्कार प्रयास है, देखो प्रयास कौन करता है, तभी तादात्म्य में स्थापित होता है। जो उनके संबंध को जानना चाहता है वह स्वयं ही कड़ी है। भक्त कर्म तथा पुनर्जन्म क्या है, महर्षि कर्ता को देख लोगे तो कर्म स्पष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हारा अब जन्म हुआ है तो पुनर्जन्म होगा, देखो क्या तुम्हारा अब जन्म हुआ है। भक्त ज्योति के दर्शन होने में मेरी सहायता करें। महर्षि दर्शन हेतु दृष्टा अनिवार्य है, उसकी खोज कर लो, दर्शन उसके अंतर्गत है। बातचीत संख्या नंबर 296। पुवन एक गडरिया कहता है कि वह श्री भगवान को गत 30 वर्ष से जानता है। जब वे विरूपाक्षी गुफा में निवास करते थे तब वह दर्शनार्थियों को यदा कदा दूध दिया करता था। लगभग 6 वर्ष पूर्व उसकी एक भेड़ खो गई जिसे वह 3 दिन से खोज रहा था। भेड़ गर्भवती थी और उसकी कल्पना में भेड़ जंगली पशुओं द्वारा मारी जा चुकी थी तथा उसके पुनः मिलने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन आश्रम के पास से जाते समय श्री भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी तथा उन्होंने उसकी कुशल अक्षेम पूछी। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वह अपनी खोई हुई भेड़ को खोज रहा है। स्वभावानुसार श्री भगवान मौन रहे। फिर उन्होंने गडरिये से कुछ पत्थर उठवाने में सहायता मांगी, जो कार्य उसने अत्यंत प्रसन्नता से किया। कार्य संपन्न होने पर श्री भगवान ने उसको नगर की ओर जाने वाली सड़क की ओर संकेत करते हुए कहा, इस ओर जाओ, तुमको मार्ग में खोई हुई भेड़ मिल जाएगी। उसने आज्ञा का पालन किया। खोई हुई भेड़ में 2 नवजात मेमनों के साथ मिल गई। अब वह कहता है, इन भगवान का क्या कहना, उनके शब्दों की सामर्थ्य देखो, वे महान हैं। मेरे जैसे निर्धन व्यक्ति को भी वे नहीं भूलते। मेरे पुत्र मणिकम को भी वे कृपा पूर्वक याद करते हैं। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। श्री भगवान की किंचित भी सेवा मुझसे हो जाए, यथा गर्मी की ऋतु आने पर गौ आदि की देखभाल, तब मैं प्रसन्न होता हूँ। 18 दिसंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 297। श्री कोहन ने प्रश्न किया, ध्यान जागृत अवस्था में मन से होता है, मन स्वप्न में भी है, स्वप्न में ध्यान क्यों नहीं होता, क्या ऐसा संभव नहीं है? महर्षि, यह प्रश्न स्वप्न में पूछो। कुछ देर मौन रहकर श्री भगवान कहने लगे, अभी तुम्हें ध्यान करने के लिए तथा तुम कौन है, कौन हो, यह खोजने का निर्देश हुआ है। उसको करने के बजाय तुम पूछते हो, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में ध्यान क्यों नहीं होता है? यदि तुम यह जान लो कि जागृत किसको है, तो यह स्पष्ट होगा कि स्वप्न तथा सुषुप्ति भी उसी के लिए है। तुम जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति के साक्षी हो। वास्तव में ये 3 अवस्थाएं तुम्हारे ही समक्ष होती हैं। क्योंकि अब तो ध्यान से बाहर हो, यह प्रश्न उदय होते हैं। ध्यान में लगे रहो और देखो क्या यह प्रश्न उदय होते हैं। 23 दिसंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 298। एक यात्री ने इस प्रकार कहते हुए जिज्ञासा की कि खोज की अपेक्षा ध्यान अधिक प्रत्यक्ष है।
क्योंकि ध्यान सत्य पर आरूढ़ रहता है, जबकि खोज असत्य में से सत्य को निकालता है। महर्षि, आरंभकर्ता को आकार का ध्यान अधिक सरल तथा अनुकूल होता है। इसके अभ्यास से आत्म विचार होता है, जो कि असत्य में से सत्य का शोधन करता करना है। जब तुम विपरीत तत्वों से भरे हुए हो, तो केवल सत्य का आग्रह करने से क्या लाभ? आत्म विचार उन बाधाओं का निवारण कर देता है, जो तुम्हें यह कल्पना कराते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा देता है। 24 दिसंबर 1936, बातचीत संख्या नंबर 299। श्री टी के एस अय्यर ने श्री भगवान से परा के स्रोत के संबंध में पूछा। महर्षि, सामान्य मत यह है कि परा मेरुदंड के नीचे स्थित मूलाधारा से आता है। समस्त नाद वैखरी से आरंभ होते हैं। परा भी निहित है, जो कुंडलिनी से आरंभ होती है तथा कुंडलिनी हृदय से भिन्न नहीं है। वास्तव में संपूर्ण षडधारा षड केंद्र हृदय में ही स्थित है। सुषुम्ना तथा उसका स्रोत कुंडलिनी हृदय के ही अंतर्गत है। एक यात्री ने अंतरेण ताल के सिंद्र योनि ही के संबंध में जिज्ञासा की। महर्षि, इंद्रियोनि सुषुम्ना नाड़ी सहिता प्रा में ही लीन है। 25 दिसंबर 1936, बातचीत संख्या नंबर 300। एक युवक ब्रह्मचारी जो विज्ञान के स्नातक हैं, 4-5 माह से अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कोई नौकरी पके सेव की भांति वृक्ष से उस पर टपक पड़े। नौकरी हेतु वह अन्य कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कल उसका भाई उसे अपने माता पिता के पास लौटा ले जाने को आया था, किंतु युवक ने जाने से इनकार कर दिया। श्री भगवान से प्रार्थना की गई। श्री भगवान ने कहा, मैं किसी व्यक्ति को आने के लिए न निमंत्रित करता हूँ, न चले जाने का निर्देश करता हूँ। यहाँ सब अपनी इच्छा पर रहते हैं। उसका कहना है कि उसे कक्ष में शांति मिलती है, साथ ही वह नौकरी भी चाहता है। आशय यह है कि नौकरी कक्ष में ही खोजनी होगी, जिससे कि उसकी शांति भंग न हो। शांति कक्ष में नहीं है, यह आत्मा में विश्राम करना है। यह कहीं भी प्राप्त हो सकती है। कुछ दिन पश्चात युवक ने अपने यज्ञोपवीत को फेंक दिया तथा अपने कंपित अंगों से भी श्री भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसको युवक ने बाद में अपना आनंद बताया। श्री भगवान ने युवक को कक्ष में उनके समक्ष बैठे रहने की आदत बनाने से मना किया तथा उसे कक्ष से बाहर चले जाने का आदेश दिया। उन्होंने इसके अतिरिक्त और भी कहा, नन्हे पक्षी के माता पिता पंख उगने तक ही उसकी रक्षा करते हैं, सदैव के लिए उसकी रक्षा नहीं की जाती। भक्तों के लिए भी ऐसा ही है। मैंने मार्ग का निर्देश कर दिया है, अब तुमको उसका पालन कर स्वयं जहाँ कहीं भी रहो वहीं शांति प्राप्त करनी है। नवयुवक कल्पना करता है कि श्री भगवान ने उसे इन शब्दों में उपदेश दिया है। अपने अर्थात अहंकार पर स्वयं विजय पानी होगी। तथापि उस व्यक्ति ने एक स्थानीय विद्यालय की नौकरी को स्वीकार नहीं किया। उसके विचार में उसे अरुणाचल अथवा श्री भगवान ने एक शक्तिशाली नौकरी दे दी है।
वह कहता है उस नौकरी के संबंध में संसार बाद में ही जान पाएगा। आज के घटना क्रम की उसे कई माह पूर्व भी सब जानकारी थी तथा वह अपनी माँ एवं मित्रों को यह सब पहले से ही बता चुका था। जो कुछ हो रहा है उससे वह बहुत प्रसन्न है। तथापि श्री भगवान ने उस युवक की एक अन्य व्यक्ति से तुलना की जो किसी भी प्रकार अच्छे ढंग का नहीं है। तथापि युवक अपरिपक्व अवस्था में अपने को भगवान मानता है। कुछ समय बाद वह विक्षिप्त हो गया और मृत्यु हो गई। बातचीत संख्या नंबर 301। एक महाशय ने श्री भगवान के निर्देशों के पालन में हुए अपने अनेक अनुभव बड़े उत्साह से सुनाए तथा प्रसंगवश यह भी बताया कि वे तथा श्री भगवान सत्ता के एक ही दिन जन्मे तथा दोनों का नाम भी एक ही था। श्री भगवान ने वाक्य को पूरा करते हुए कहा, दोनों में वही एक आत्मा है। बातचीत संख्या नंबर 302। त्रिची के एक युवक ने उपदेश मंजरी में वर्णित योग्य शिष्य के लक्षण अत्यंत वैराग्य पर प्रश्न किया। उसने पूछा, वैराग्य क्या है? सांसारिक कार्यों से अनासक्ति तथा मोक्ष की इच्छा क्या ऐसा ही नहीं है? महर्षि यह किसको प्राप्त नहीं है? सभी आनंद चाहते हैं किंतु अविवेक के कारण दुख मिश्रित सुख को आनंद मान बैठते हैं। ऐसा आनंद अस्थाई है, उसके मिथ्या कार्य कलाप उसको अक्षणिक सुख देते हैं। संसार में दुख सुख एक दूसरे के बाद आते ही रहते हैं। दुखदायक तथा सुखदायक विषयों में सद असद विवेक करना तथा अपने को केवल आनंददायक साधन में संलग्न रखना ही वैराग्य है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके पीछे दुख नहीं लगा है? वह इसकी खोज कर उसी में लगा रहता है। अन्यथा व्यक्ति का एक पैर संसार में तथा दूसरा पैर आध्यात्मिक साधना में रहता है, एक में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाती। गुरु के कार्य के संबंध में पुनः प्रश्न किया गया। महर्षि अपने को बहुत अधिक दुर्बल जानकर तथा अपने आप सफलता प्राप्त न कर सकने के कारण व्यक्ति गुरु के रूप में अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। बातचीत संख्या नंबर 303। श्री के आर वी अय्यर ने नाद पर अधिक प्रकाश डालने की प्रार्थना की। महर्षि जो इस पर ध्यान करता है वही इसका अनुभव करता है। नाद 10 प्रकार के हैं। अंतिम भीषण नाद के बाद मनुष्य लय को प्राप्त होता है। यही उसकी स्वाभाविक एवं शाश्वत अवस्था है। नाद ज्योति तथा खोज एक ही जगह पहुंचाता है। पूर्व के दो अप्रत्यक्ष साधन है तथा तीसरा प्रत्यक्ष है। भक्त कुछ अक्षणों तक मन शांत रहता है और फिर उदय हो जाता है। क्या करना आवश्यक है? महर्षि जो शांति प्राय प्राप्त हो उसका अन्य अवसरों पर स्मरण किया जाए। वह शांति तुम्हारी स्वाभाविक एवं स्थायी अवस्था है। निरंतर अभ्यास द्वारा यह स्वाभाविक हो जाएगा। इसे ही धारा कहते हैं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। नाद दृश्याभास आदि ज्ञाता ज्ञान गे की त्रिपुटी होने के सूचक हैं। आत्म विचार के फल स्वरूप जो धारा उत्पन्न होती है वह शुद्ध त्रिपुटी है, अर्थात भेद रहित त्रिपुटी है। 26 दिसंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 304। एक स्विस महिला ने दृश्याभास का अपना अनुभव श्री भगवान को बताया। जब वह अपने पूर्णतया खुले हुए नेत्रों से बैठी थी तब उसने श्री भगवान का चेहरा सुंदर शिशु के समान होते हुए तथा श्रेष्ठ पुष्पों से सुसज्जित देखा। उस शिशुवत मुखमंडल को देखकर उसका स्नेह उमड़ आया।
महर्षि, दर्शन तुम्हारे मन का ही है, इसका कारण तुम्हारा प्रेम है। पाल ब्रंट ने मुझे बहुत बड़े आकार में देखा था, तुमने मुझे शिशु के रूप में देखा था, दोनों ही दृश्य हैं। महिला ने कहा, पाल ब्रंट ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे यहाँ कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ था और मैंने इससे इनकार किया था, अब यह अनुभव हुआ है। महर्षि, दर्शनों के धोखों में नहीं आना। भक्त यदि कोई यूरोप में मिलो तो रहकर आपकी सहायता की याचना करे। महर्षि, यूरोप कहाँ है, वह तुम में है। भक्त, मैं यहाँ आई हूँ, मेरी कामना है महर्षि वहाँ पधारे। इतना कहकर वह कोमलता पूर्वक मुस्कुराई, कुछ क्षणों तक मौन रहा। महर्षि, तुम स्थूल देह देखती हो, इसलिए परिसीमाएं देखती हो। देश और काल इसी सतर पर परिचालन करते हैं। जब तक तुम स्थूल देह देखती हो, भिन्न भिन्न देह में भेद दृष्टि रहेगी ही। इसके विपरीत वास्तविक महर्षि का ज्ञान समस्त संशयों को दूर कर देगा। क्या तुम अब भारत में हो अथवा भारत तुम में है? अब भी यह भावना कि तुम भारत में हो निकल जाना चाहिए। भारत तुम में है, इसकी सत्यता को जानने के लिए अपनी सुषुप्त अवस्था को देखो। जब तुम सुषुप्ति में थी, तब क्या तुम्हें यह मान भान था कि तुम यूरोप में अथवा भारत में हो? तथापि तुम्हारा अस्तित्व उसमें भी अब की तरह ही था। आकाश तुम में है, स्थूल देह आकाश के अंतर्गत है, किंतु तुम नहीं। पाल पर्यटन को जब दर्शन हुआ तो उनकी आंखें बंद थी, किंतु तुम कहती हो तुम्हारी आंखें खुली थी। भक्त, हाँ, किंतु मुझे दर्शन कभी नहीं हुआ था, जबकि वह संवेदनशील व्यक्ति हैं। कुछ क्षणों के पश्चात महिला ने प्रश्न किया कि इस प्रकार के दर्शन देखना हितकारी है अथवा अहितकारी? महर्षि, यह हितकारी है। श्री भगवान ने कहा, संभवतया तुम्हारे मन में एक शिशु का विचार था जो दर्शन में दिखा। भक्त, हाँ, केवल शिशु का, उनके शिशु तुल्य चेहरे का। महर्षि, यही बात है। भक्त, किंतु शिव तो संहारक हैं, आशय है, बालक नहीं है। महर्षि, हाँ, दुखों के। कुछ क्षण के बाद श्री भगवान ने कहा, शीघ्र ही तुम सोने जाओगी। जब प्रातःकाल तुम जागोगी, तुम कहोगी, मैं अच्छी तरह और आनंद पूर्वक सोई। सुषुप्ति में जो था वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही वह भी है, वही अब भी है, अन्यथा यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। अब भी सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त करो, यही शिव है। क्या हमारा कोई आकार है? शिव के आकार की कल्पना करने से पूर्व यह जान लो, क्या सुषुप्ति में तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? तब क्या तुम्हें किसी आकार का भान था? क्या सुषुप्ति में तुम आकार सहित थी, तथापि तुम्हारा अस्तित्व था? सुषुप्ति में जो मैं था वह अब भी है। तुम्हारा सुषुप्ति का अनुभव है कि तुम देह नहीं थी, अब भी तुम वही हो, अर्थात देह रहित हो। देह रहित होकर भी तुम निद्रा में सुखी थी, अब भी तुम वही हो जो सदैव रहता है। केवल वही वास्तविक स्वरूप हो सकता है। सुषुप्ति में देह नहीं थी, परंतु केवल आनंद का अनुभव था, वही अब भी विद्यमान है। आत्मा देह रहित है। यदि इस प्रकार तुम बिना देह के हो, तब शिव देह सहित कैसे हो सकते हैं? यदि तुम सदेह हो, तो शिव भी सदेह हैं। यदि तुम नहीं हो, तो वे भी नहीं हैं। भक्त, तब यह शिव क्यों हैं? महर्षि, शिव से तात्पर्य है आनंद की मूर्ति, कल्याण की मूर्ति। वह अत्यंत प्रसन्न हुई, कुछ समय पश्चात वह चली गई।
बातचीत संख्या नंबर 305। दर्शनार्थी आपस में वार्तालाप कर रहे थे और उनमें से एक ने कहा, अपने परंपरागत उपदेशों से सुपरिचित होकर भी हम इन श्री भगवान के उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाते। जो विदेशी हमारी पद्धति से अपरिचित हैं, वे श्री भगवान के उपदेशों को इतनी सरलता से कैसे ग्रहण कर सकेंगे। उसके कहने में उनके प्रति सहानुभूति का भाव था कि अनेक बाधाएं होते हुए भी वे समझने का प्रयास करते हैं। उनके साधन के अभाव के प्रति सहृदयता भी थी। श्री भगवान ने अंततः समाधान करते हुए कहा, दर्शनों का होना दर्शनों के न होने की अपेक्षा उत्तम है। इस कारण उनमें रुचि उत्पन्न होने लगती है। वे विदेशी विचारों को ग्रहण नहीं करते। जब वे एक बार ऐसा करते हैं तब दृढ़ रहते हैं। यह उनका गुण है। बाद में श्री भगवान ने श्री प्रकाशम पिल्ली को हुए दर्शनों के प्रसंग में कहा, दर्शन बाह्य नहीं है, वे केवल अंतस्तः में ही प्रतीत होते हैं। यदि बाह्य हों तो वे दृष्टा के अभाव में भी प्रकट हों। इस दिशा में उनके अस्तित्व में का क्या प्रमाण है, केवल दृष्टा ही है। बातचीत संख्या नंबर 306। भक्त, ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार आवश्यक है, हम मैं पर कैसे ध्यान करें। महर्षि, हम आकारों में सुदृढ़ हो चुके हैं, अतः हमें ध्यान हेतु निश्चित आकार आवश्यक है। हम जिसका ध्यान करते हैं अंततः वही शेष रहेगा। जब तुम ध्यान करते हो तब अन्य संकल्पों का लोप हो जाता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है अन्य संकल्प रहेंगे। तुम कहाँ हो? चूंकि तुम्हारा अस्तित्व है तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहाँ वह है वहीं ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नष्ट कर देता है। तुम्हें अपने आप को स्रोत में विलीन करना चाहिए। कभी कभी हम बिना जाने स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जैसे निद्रा में, मृत्यु में, मूर्छा आदि में। ध्यान क्या है? यह जागृत रहकर स्रोत में विलीन होना है। तब तो मृत्यु मूर्छा आदि का भय चला जाएगा, क्योंकि तुम सचेत रहकर मूल स्रोत में विलीन होने में समर्थ हो। मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का अर्थ अस्तित्व रहित होना नहीं हो सकता। तुम सुसुप्ति को क्यों प्रेम करते हो जबकि मृत्यु को नहीं? अब क्या तुम विचार नहीं कर रहे हो? अब क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? सुसुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वह आनंद से भली प्रकार सोया। वह भी सुसुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे बिना जाने करे। इस प्रकार चेतन ज्ञान ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते, फिर भी हम कहते हैं कि हम सुसुप्ति में अचेत थे, क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्ञान की ही बात करते हैं। जगत देह आदि हम में इस प्रकार अंतर्भूत हो गए हैं कि इस सापेक्ष चेतनता को ही हम आत्मा मान लेते हैं। क्या कोई अपनी सुसुप्ति में मानता है कि वह अचेतन है? ऐसा वह अब मानता है। यह जागृत अवस्था सापेक्ष ज्ञान की है। अतः व्यक्ति केवल ज्ञान की बात न कहकर सापेक्ष ज्ञान की बात कहता है। शुद्ध चैतन्य सचेतनता और अचेतनता इन दोनों से परे है। पुनः ध्रुवाचगम की चर्चा करते हुए श्री भगवान ने कहा, समस्त चारों महान संतों ने प्रथम श्लोक में ही अपने अनुभव का वर्णन कर दिया है।
एक अभेद पूजा, दूसरा सतत स्मरण, तीसरा संकल्प शून्यता, चौथा अहम का अहंकार का भाव केवल आत्मा है, सब सबका एक ही अर्थ है। भक्त किंतु इस सत्य की अनुभूति नहीं होती, महर्षि यथा समय इसकी अनुभूति होगी तब तक भक्ति है। अक्षण भर के लिए भी तुम मेरे मन का त्याग नहीं करते, क्या वह कभी तुम्हारा परित्याग करता है? तुम ही अपने मन को भटकने देते हो, यह सदैव स्थिर रहता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम कहते हो वह अक्षण भर के लिए भी मेरे मन का त्याग नहीं करता, कितना हास्यास्पद है। 27 दिसंबर 1936, बातचीत संख्या नंबर 307, मैसूर के श्री समन्ना ने श्री भगवान से जिज्ञासा की कि कृपया अहम सफूर्ण का अर्थ समझाएं। महर्षि सुषुप्ति में मैं का बोध नहीं होता, जागने पर मैं का देह जगत तथा सर्व अनात्म से सम्मिलित बोध होता है, ऐसा सम्मिलित मैं अहम वृत्ति है। जब अहम केवल आत्मा को निर्देशित करता है तब यह अहम संपूर्णा है। ज्ञानी के लिए यह सहज है तथा ज्ञानी इसे ज्ञान तथा भक्ति से भक्ति की संज्ञा देते हैं। यद्यपि यह नित्य सिद्ध है तथा सुषुप्ति में भी है, इसकी अनुभूति नहीं होती। सुषुप्ति में इसकी अनुभूति सहसा नहीं हो सकती, पहले से इसका अनुभव जागृत अवस्था में करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारा वास्तविक स्वरूप है जो तीनों अवस्थाओं का आधारभूत है। केवल जागृत अवस्था में प्रयास करना चाहिए तथा आत्मा की अनुभूति यहाँ एवं अभी करना है। इसके बाद आत्मा की निरंतर सत्ता का बोध एवं साक्षात होगा, जो जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति में बिना किसी व्यवधान के सदैव रहता है। इस प्रकार यह अखंडाकार वृत्ति है। उपयुक्त शब्द के अभाव में वृत्ति शब्द का उपयोग किया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ वृत्ति ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में वृत्ति समुद्र तुल्य सरिता होगी जो हास्यास्पद है। वृत्ति अल्पकालीन होती है, यह सीमित निर्दिष्ट चेतना है अथवा इंद्रियां और संकल्प आदि से टूटा हुआ चेतनता है। वृत्ति मन की क्रिया है, पर अखंड चैतन्य मन से परे है। ज्ञानी अथवा मुक्त पुरुष की यही सहज एवं मूल अवस्था है, यही अखंड अनुभव है। यह तभी प्रकाशित होता है जब सापेक्ष ज्ञान लुप्त हो जाता है, अहम वृत्ति खंडित है, अहम सफूर्णा अखंड एवं निरंतर है। संकल्पों के शमन के पश्चात सफूर्णा प्रकाशित होती है। 31 दिसंबर 1936, बातचीत संख्या नंबर 308। अस्पृश्यता के विषय में एक प्रश्न पूछा गया। श्री भगवान ने कहा, अनात्मा ही अस्पृश्य है। सामाजिक अस्पृश्यता मनुष्य की बनाई हुई है, जबकि पहली अस्पृश्यता दिव्य तथा सहज है। भक्त, क्या अछूतों को हमारे मंदिरों में प्रवेश करा देना चाहिए? महर्षि, इसका निर्णय दूसरे व्यक्ति करेंगे।
विष्णु के अवतारों के संबंध में एक प्रश्न किया गया। महर्षि, पहले हम अपने स्वयं के अवतार को जान ले, तब दूसरे अवतारों की जानकारी हो जाएगी। फिर ईश्वर के संबंध में एक प्रश्न किया गया। महर्षि, हमारी ईश्वर की अवधारणा के पश्चात ईश्वर के अस्तित्व का उदय होता है। पहले हम यह जान लें कि वह किसकी धारणा है। धारणा करने वाले के अनुसार ही अवधारणा होगी। यह जान लो कि तुम कौन हो तथा अन्य समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। 1 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 309। भगत, अहम ब्रह्मास्मि तथा ब्रह्मई वाहम में क्या अंतर है? महर्षि, प्रथम प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव है, जबकि द्वितीय प्रोक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रथम अहम के साक्षात कार के बाद होता है, जबकि द्वितीय श्रवण किए हुए ब्रह्म से प्रारंभ होता है, जो आत्मा से पृथक नहीं हो सकता यदि उसका साक्षात्कार हो गया। बातचीत संख्या नंबर 310। श्री ग्रीनलीस इस आश्रम से अक्टूबर में विदा होने के पश्चात भगवान की शांति मुझे 10 दिन तक आलिंगन करती रही। सारे समय जब मैं कार्य में व्यस्त रहता था, उस एकता की शांति की धारा रहती थी। वह द्वैत चेतना के समान थी, जैसा कि किसी नीरस व्याख्यान में अर्ध निद्रित अवस्था में अनुभव होता है। बाद में यह पूर्णतया अक्षीण हो गई और उसके बजाय पहले की मूर्खताओं ने आ घेरा। कार्य से अलग ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। क्या मैं हूँ को सदैव स्मरण रखकर कार्य करते हुए भी उसकी अनुभूति करते रहना पर्याप्त होगा? महर्षि, मन के सशक्त होने पर यह भावना सदैव बनी रहेगी। बारंबार का अभ्यास मन को सशक्त करता है और ऐसा मन धारा को ग्रहण किए रहने में समर्थ होता है। उस अवस्था में काम में व्यस्त हो अथवा न हो, धारा बिना किसी परिणाम तथा रुकावट के रहती है। भक्त, क्या अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, ध्यान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि दूसरे संकल्प तुम्हें विचलित करते हैं, इसलिए तुम उसे ध्यान कहते हो। जब यह विचार नष्ट हो जाते हैं, तुम अकेले रहते हो, अर्थात संकल्प शून्य होकर ध्यान की अवस्था में रहते हो, और यही तुम्हारा निज स्वरूप है, जिसे तुम अब अन्य विचारों से दूर रहकर प्राप्त करना चाहते हो। अन्य संकल्पों को इस प्रकार दूर रखना ही ध्यान कहलाता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब निज स्वरूप स्वयं को वास्तविक ध्यान के रूप में प्रकट करता है। ध्यान का प्रयास करते समय अन्य संकल्प अधिक बलपूर्वक उदय होने लगते हैं। कुछ अन्य व्यक्ति तुरंत ही एक साथ प्रश्न करने लगे। श्री महर्षि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ, ध्यान में समस्त प्रकार के संकल्प आते हैं। यह ठीक भी है। जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, वह बाहर निकलता है। जब तक वे उदय न हो, उनको नष्ट कैसे किया जा सकता है? अतः वे स्वतः ही उदय होते हैं, जिससे कि यथासमय उनका शमन हो तथा इस प्रकार मन सशक्त हो। एक यात्री, सब ब्रह्म कहे जाते हैं। महर्षि, हाँ वे हैं, तथापि जब तक तुम उन्हें पृथक मानते हो, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि उन्हें आत्मा मानते हो, तो सब कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है सब केवल ब्रह्म ही है।
ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भक्त, ऋग्वेद गीता के अनुसार सारे दृश्य पदार्थ मिथ्या हैं, किंतु अंत में बताया जाता है कि वे सब ब्रह्म हैं और इस प्रकार सत्य हैं। महर्षि, हाँ, जब तुम उन्हें अनेक रूपों में देखते हो तो वे असत्य हैं, किंतु जब तुम उन्हें ब्रह्म रूप में देखते हो तो वे सत्य हैं। वे अपनी वास्तविकता अपने आधार ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। भक्त, तब फिर उपदेश सार में देह आदि को जड़ क्यों कहा गया है? महर्षि, जब तक तुम उन्हें आत्मा से पृथक देह आदि कहते हो, परंतु जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो देह आदि भी उसी के अंतर्गत मालूम होते हैं। तदुपरांत न कोई प्रश्न पूछेगा, न कोई कहेगा कि वे जड़ हैं। भक्त, आत्मा अनात्मा के भेद को जानने को विवेक कहा गया है। अनात्मा क्या है? महर्षि, वास्तव में अनात्मा कुछ नहीं है, अनात्मा भी आत्मा के अंतर्गत है। आत्मा ही अनात्मा की बात करता है, क्योंकि वह स्वयं को भूल चुका है। अपने आप की पकड़ छूट जाने के कारण वह किसी वस्तु की अनात्मा अनात्मा के रूप में धारण करता है, जो वस्तुतः स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तदुपरांत भिन्न भिन्न सिद्धांतों के समर्थकों के मध्य उष्ण वाद विवाद होने लगा। 2 जनवरी 1937, बातचीत संख्या नंबर 311, जिस मैं का उदय होता है उसका अस्त भी अनिवार्य है। वह व्यक्तिगत मैं अथवा मैं की धारणा है, जिसका उदय नहीं उसका अस्त भी नहीं। वह है और सदैव रहेगा, यही वास्तविक मैं है, पूर्ण मैं अथवा आत्मा का साक्षात्कार है। संध्या 6:30 बजे स्विस महिला ने श्री भगवान से निवेदन किया कि यदि ध्यान का समय कुछ बढ़ा दिया जाता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। महर्षि, यदि ध्यान करने वाले को और ध्यान को एक जान लोगी तो न सिर में दर्द होगा और न इस प्रकार का अन्य कोई कष्ट होगा। भक्त, किंतु वे तो भिन्न हैं, हम उनको एक ही कैसे माने? महर्षि, यह तुम्हारे दृष्टिकोण के कारण है। केवल एक अस्तित्व है और कोई भेद नहीं है। ध्यान से सापेक्षिक ज्ञान नष्ट हो जाता है, यह नष्ट होना नहीं है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य उदय होता है। स्वयं बाइबल कहती है, स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। यदि तुम स्वयं को देह समझोगे तो इस कथन का अभिप्राय समझने में कुछ कठिनाई होगी। इसके अतिरिक्त यदि तुम यह जान लो, जान लोगे कि वास्तव में तुम कौन हो, तो स्वर्ग का साम्राज्य एवं सब तुम्हारी वास्तविक आत्मा के अंतर्गत है। यह सब अहंकार के उदय होने के बाद उत्पन्न होने वाली धारणाएं हैं। दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्मायं जगत। अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करो और उसे पूर्ण बना लो। उस पूर्ण चैतन्य की अनुभूति के पश्चात बाहर देखने पर तुम्हें जगत साक्षात किए हुए पर ब्रह्म से पृथक दृष्टि गोचर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी है। तुम बाहर की चर्चा करते हो। उस अवस्था में तुम्हें अंतर्मुख होने का निर्देश दिया जाता है। यह अंदर उस बाह्य की तुलना में है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। वस्तुतः आत्मा न बाहर है न अंदर। स्वर्ग की चर्चा करते समय ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर का भाव आता है, क्योंकि हम तुलनात्मक ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं। मनुष्य केवल दृश्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और तभी इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तव में न ऊपर है न नीचे, न बाहर न अंदर।
यदि वे सत्य होते तो स्वपन रहित सुसुप्ति में भी रहते, क्योंकि जो सत्य है वह अवश्य ही अखंड एवं स्थाई होगा। क्या तुम्हें सुसुप्ति में अंदर या बाहर का भान था? निश्चय ही नहीं था। भक्त मुझे स्मरण नहीं। महर्षि, यदि उसमें कुछ होता तो स्मरण रहता, परंतु तुम उसमें अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो। वही आत्मा अब बोल रहा है। जो आत्मा सुसुप्ति में भेद रहित था, अब इस अवस्था में भेद सहित है और नानात्व देख रहा है। वास्तविक सत्ता केवल एक है, जिसमें दृश्य पदार्थों का ज्ञान नहीं है। वही शुद्ध चैतन्य है। यही आनंद की अवस्था है, जिसे हम सब स्वीकार करते हैं। यही अवस्था इस जागृत अवस्था में भी लाना परम आवश्यक है। इसे जागृत सुसुप्ति कहते हैं। यही मुक्ति है। भक्त, जिसका पुनर्जन्म होता है वह अहंकार है। महर्षि, हाँ, परंतु पुनर्जन्म क्या है? अहंकार वही रहता है। नवीन देह उत्पन्न हो इसे धारण करते हैं। अहंकार में परिवर्तन नहीं होता। यह एक देह त्याग कर दूसरी देह खोजने तथा प्राप्त करने नहीं जाता। तनिक देखो तुम्हारे स्थूल शरीर का क्या होता है। मान लो कि तुम लंदन जाओ, यह तुम कैसे करते हो? तुम एक वाहन लेकर बंदरगाह तक जाते हो तथा स्टीमर पर सवार हो कुछ दिनों में लंदन पहुंच जाते हो। क्या हुआ है? वाहन चलता गया किंतु तुम्हारा शरीर नहीं। तथापि तुम कहते हो कि तुम भूमंडल के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा कर आए। वाहनों का चलन तुम्हारे शरीर पर अध्यारोपण कर दिया गया। तुम्हारे अहंकार के साथ भी ऐसा ही है। पुनर्जन्म अध्यारोपण है। उदाहरणार्थ स्वप्न में क्या होता है? क्या तुम स्वप्न जगत में जाते हो अथवा वही तुम्हारे अंदर घटित होता है? बात की स्थिति ही सही है। पुनर्जन्म के साथ भी ऐसा ही है। अहंकार बिना परिवर्तन के सदैव रहता है। फिर तुम्हारी सुसुप्ति में देश एवं काल नहीं रहता। यह धारणाएं हैं जो अहम वृत्ति के उदय होने के बाद उदय होती हैं। अहम वृत्ति के उदय से पूर्व धारणाओं का अभाव था, अतः तुम देश व काल से परे हो। अहम वृत्ति सीमित में है, वास्तविक में असीमित सर्वत्र व्याप्त एवं देश व काल से परे है। सुसुप्ति में इनका अभाव है। सुसुप्ति से जागने के बाद तथा दृश्य जगत को देखने से पूर्व जो एक जागृति की स्थिति है, वह तुम्हारा निज स्वरूप है। यह जानना आवश्यक है। भक्त, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं करता। महर्षि, यह इंद्रियों द्वारा अनुभूति का विषय नहीं है। तुम वही हो, कौन किसका अनुभव करेगा? बातचीत संख्या नंबर 312। पूना के श्री वी के चोलकर कहा जाता है, अपने को जानो अथवा यह देखो कि तुम में मैं कौन है। इसको करने का क्या साधन है? क्या यह केवल निरंतर यंत्रवत मंत्र का जप है अथवा प्रति अक्षण यह भी ध्यान रहे कि तुम मंत्र का जप क्यों कर रहे हो और मंत्र का जप भी करते रहो? महर्षि, तुम स्वतः सदैव ही मंत्र का जप कर रहे हो। यदि तुम्हें नित्य ही होने वाले अजपा जप का बोध न हो तो तुम्हें जप करने की आवश्यकता है। जप प्रयास से होता है। यह प्रयास अन्य संकल्पों के निवारण हेतु है। तब जप मानसिक तथा आंतरिक बन जाता है। अंततः उसके अजपा तथा नित्य स्वभाव की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि जब तुम्हारे प्रयास के बिना भी हो रहा है,
यह सहज स्थिति ही साक्षात्कार की अवस्था है। श्री चोलकर ने व्यावहारिक दृष्टि से अथवा जो भी निर्देश उनके लिए उपयुक्त हो देने के लिए श्री भगवान से प्रार्थना की। महर्षि, वह बाह्य नहीं है, अतः उसके अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह आंतरिक तथा शाश्वत भी है, यह सदैव साक्षात है। पर तुम कहते हो कि तुमको भान नहीं है, इसके लिए उसके प्रति निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है, अन्य किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रयास केवल इसलिए है कि तुम अपने आप को अन्य संकल्पों से व्याकुल न होने दो। वह व्यक्ति संतुष्ट था। बातचीत संख्या नंबर 313। श्री ग्रीनली, श्री भगवान ने कल कहा था कि अंतस्थ परमात्मा की खोज को करते समय बाह्य कार्य सत्य ही होते रहेंगे। श्री चैतन्य की जीवनी में ऐसा कहा गया है कि जब वे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, उसमें उनका लक्ष्य कृष्ण पर हुआ। उन्हें अपनी देह का भान नहीं रहा और वे कृष्ण की ही चर्चा करने लगे। इस प्रसंग से यह संदेह होता है कि कार्य सहज किस प्रकार बन सकेगा। क्या लक्ष्य भौतिक कार्य पर भी रखा जाए? महर्षि, आत्मा ही सब कुछ है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आत्मा से पृथक हो? क्या आत्मा से पृथक कार्य होना संभव है, अथवा क्या देह आत्मा से पृथक है? इनमें से कोई भी आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः तुम स्वेच्छा पूर्वक उनमें संलग्न रहो अथवा नहीं, समस्त कार्य होते रहेंगे। कार्य स्वतः ही होता रहेगा। आत्मा के प्रति जागृत रहने में कार्य के प्रति जागरूक रहना भी सम्मिलित है। भक्त, यदि मैं उस पर ध्यान न दूं तो कार्य की अस्थि हो सकती है। महर्षि, क्योंकि तुम स्वयं को शरीर से मिलाते हो, तुम समझते हो कि कार्य तुम करते हो, किंतु देह तथा इसकी चेष्टा कार्य सहित आत्मा से पृथक नहीं है। तुम काम में ध्यान दो अथवा नहीं, इसका क्या महत्व है? मान लो तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हो, तुम प्रत्येक उस पग पर ध्यान नहीं देते जिसे तुम उठाते हो, तथापि कुछ समय बाद तुम स्वयं को गंतव्य स्थान पर पाते हो। तुमने देखा कि किस प्रकार कार्य अथवा चलना तुम्हारे ध्यान के बिना भी होता रहता है। अन्य कार्यों के संबंध में भी ऐसा ही है। भक्त, तब तो यह सुषुप्ति में चलना जैसा हुआ। महर्षि, ऐसा ही है। जब एक बालक गहन निद्रा में होता है, तब उसकी माँ उसे नींद में भोजन कराती है। बालक अच्छी प्रकार जागृत के समान ही भोजन कर लेता है, किंतु अगले दिन प्रातः वह माँ से कहता है, माँ, मैंने पिछली रात भोजन नहीं किया। माँ तथा अन्य व्यक्तियों को यह ज्ञात है कि उसने भोजन किया, किंतु वह कहता है कि उसने भोजन नहीं किया। वह जागरूक नहीं था, तथापि कार्य हुआ था। इस प्रकार के कार्य के लिए नींद में चलने का एक प्रकार का रोग वास्तव में एक अच्छी अनुरूपता है। अन्य उदाहरण लो, बैलगाड़ी में एक यात्री सो गया है। यात्रा में बैल चलते हैं अथवा रुकते हैं अथवा जुए से मुक्त किए जाते हैं। उसे इन घटनाओं का भान नहीं होता, किंतु वह जागने पर स्वयं को एक भिन्न स्थान पर पाता है। यात्रा के घटनाक्रम से सानंद अनभिज रहकर भी उसकी यात्रा समाप्त हो गई। मनुष्य की आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। वह देह में सोता है, उसकी जागृत अवस्था बैलों का चलना है, उसकी समाधि उनका शांत होकर ठहर जाना है। चूंकि समाधि
जागृत सुषुप्ति अर्थात उसे कार्यों का भान है किंतु वह कार्यों में संलग्न नहीं। इस प्रकार बैल जुते हुए हैं किंतु चलते नहीं। उसकी नींद बैलों को जुए से मुक्त कर देने के समान है क्योंकि उसमें समस्त क्रियाएं पूर्णतः बंद हो जाती हैं जो बैलों को जुए से मुक्त करने जैसा है। और भी उदाहरण है, चलचित्र में पर्दे पर चित्र प्रक्षिप्त होते हैं किंतु चलते हुए चित्र पर्दे को न प्रभावित करते हैं न बदलते हैं। दृष्टा चित्र देखता है किंतु पर्दे की उपेक्षा करता है। वे पर्दे से पृथक नहीं रह सकते तथापि पर्दे का अस्तित्व भुला दिया जाता है। इसी प्रकार आत्मा पर्दा है जिस पर क्रिया रूपी चित्र चल रहे हैं। मनुष्य को कार्य का भान है आत्मा का नहीं तथापि वह आत्मा से पृथक नहीं है। जानकारी हो न हो क्रियाएं होती रहेंगी। भक्त सिनेमा में एक परिचालक होता है महर्षि। चलचित्र जड़ वस्तुओं से निर्मित होता है। पर्दा चित्र लैंप आदि सब जड़ वस्तुएं हैं। अतः एक परिचालक एक चेतन प्रतिनिधि आवश्यक है। परंतु आत्मा तो स्वयं ही चैतन्य है अतः स्वयं में पूर्ण है। इससे अलग एक परिचालक नहीं हो सकता। भक्त उपरोक्त उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि वह परिचालक की उपमा शरीर से दे रहा है पर उसका यह आशय नहीं था। महर्षि शरीर की क्रिया के लिए परिचालक ध्यान में रखते हुए ही उत्तर दिया गया था। देह के जड़ होने के कारण एक परिचालक एक चेतन प्रतिनिधि आवश्यक है। क्योंकि लोग स्वयं को जीव मानते हैं श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर हृदय में जीवों के परिचालक के रूप में रहता है। वास्तव में न जीव है न परिचालक आत्मा ही सब कुछ है। यही पर्दा है चित्र है दृष्टा है अभिनेता है परिचालक है प्रकाश है एवं अन्य सब कुछ है। अपने को देह मानकर स्वयं को कर्ता मानना दृष्टा को चलचित्र की अभिनेता मान लेने के समान होगा। अनुमान करो कि चित्र में अभिनेता इच्छा करे कि क्या वह बिना पर्दे के दृश्य उत्पन्न कर सकता है। यह उस व्यक्ति के समान है जो यह सोचता है कि वह आत्मा से पृथक रहकर कार्य कर सकता है। भक्त यह चलचित्र में दृष्टा को अभिनय करने का निर्देश देने की तरह होगा। इस अवस्था में नींद में चलना एक प्रकार का रोग आवश्यक प्रतीत होता है। महर्षि ऐसी मान्यता है कि कौवा किसी दृश्य को देखने के लिए एक ही पुतली को किसी भी आंख में घुमाता है। उसके पुतली एक ही है पर आंखों के गोलक दो हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी दृष्टि का उपयोग कर लेता है। एक और उदाहरण हाथी के एक सुंड है जिससे वह सांस लेता है तथा जल आदि पीने का काम करता है। इसी प्रकार कहते हैं कि सांप एक ही इंद्रिय से देखने तथा सुनने का कार्य करता है। इस प्रकार क्रियाएं तथा अवस्थाएं व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार होती हैं। सुषुप्ति जागृति अथवा जागृति सुषुप्ति अथवा स्वप्निल सुषुप्ति अथवा स्वप्निल जागृति एक समान सी हैं। भक्त हम भौतिक जागृत जगत में भौतिक देह से व्यवहार करते हैं। यदि हम कार्य करते समय निद्रा में हों अथवा जब हमें निद्रा घेर रही हो तब कार्य करें तो कार्य की हानि होगी। महर्षि सुषुप्ति अज्ञान नहीं है वह तुम्हारी शुद्ध अवस्था है। जागृति ज्ञान नहीं है यह अज्ञान है। सुषुप्ति में पूर्ण बोध रहता है जागृति में पूर्ण अज्ञान होता है। तुम्हारा निज स्वरूप दोनों को ढक लेता है तथा दोनों से परे जाता है। आत्मा ज्ञान अज्ञान से परे है। सुषुप्ति स्वप्न एवं जागृति आत्मा के समक्ष होने वाली केवल वृत्तियां हैं।
तुम्हें भान हो अथवा नहीं ये होती रहती हैं। वह ज्ञानी की अवस्था है जिसमें जागृति, समाधि, गहन निद्रा तथा स्वप्न चलते, खड़े रहते अथवा जुआ खोले हुए बैलों के समान, जबकि यात्री ऊपर कहे अनुसार शयन करता है, आते रहते हैं। यह प्रश्न अज्ञानी के दृष्टिकोण से है, अन्यथा ये प्रश्न उदय नहीं होते। भक्त निश्चय ही यह प्रश्न आत्मा को उदय नहीं हो सकते, वहाँ प्रश्न करने वाला कौन होगा। किंतु दुर्भाग्यवश मैंने अभी तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। महर्षि, वास्तव में तुम्हारे मार्ग में यही बाधा है। इस विचार को छोड़ दोगी तुम अज्ञानी हो जिसे अभी आत्मा का साक्षात्कार करना है। तुम आत्मा हो, क्या कभी भी ऐसा समय था जब तुम आत्मा से पृथक थे। भक्त, अतः यह निद्रा में चलना एक प्रकार का रोग अथवा दिन में स्वप्न का प्रयोग हुआ। श्री भगवान हंस दिए। 3 जनवरी 1937 अमृत बिंदु, बातचीत संख्या नंबर 314। कल के प्रश्न का समाधान करते हुए श्री भगवान ने कहा था कि गहन निद्रा में आत्मा शुद्ध चैतन्य है। उन्होंने यह भी संकेत किया था कि नींद से जागृत अवस्था का जो परिवर्तन है, उस समय आत्मा साक्षात करने के लिए आदर्श है। महर्षि से इसको स्पष्ट करने की प्रार्थना की गई। श्री भगवान ने अनुग्रह पूर्ण उत्तर दिया, आत्मा सुषुप्ति में शुद्ध चैतन्य है। परिवर्तन अवस्था में अहम, मैं बिना इदम यह के विकसित होता है, तथा जागृत अवस्था में यह अहम, मैं एवं इदम यह के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्तिगत अनुभव केवल अहम, मैं से होता है, इसलिए उसे बताए हुए मार्ग से ही साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए, अर्थात अंतरकालीन मैं के माध्यम से, अन्यथा सुषुप्ति के अनुभव का उसके लिए कोई महत्व नहीं। यदि अंतरकालीन मैं का साक्षात कर लिया जाए तो आधार मिल जाता है और उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। फिर सुषुप्ति को अज्ञान की संज्ञा दी जाती है। यह केवल जागृत अवस्था में प्रचलित मिथ्या ज्ञान की तुलना में है। वास्तव में जागृत अवस्था अज्ञान है तथा सुषुप्ति अवस्था प्रज्ञान, पूर्ण ज्ञान। श्रुति के अनुसार प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म नित्य है। सुषुप्ति के अनुभव करने वाले को प्रज्ञ कहते हैं। वह तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञानम है। इसका सुषुप्ति अवस्था में विशेष महत्व यह है कि वह ज्ञान से परिपूर्ण प्रज्ञान घन है। घन क्या है? एक ज्ञान है, एक विज्ञान। समस्त अनुभूतियों में दोनों एक साथ परिचालन करते हैं। जागृत में विज्ञान विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान है। यह व्यक्ति के साथ सदा रहता है। जब यह विस्पष्ट ज्ञान होता है तो यह ब्रह्म है। जब मिथ्या ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है, जैसे सुषुप्ति में, तो वह केवल शुद्ध प्रज्ञान रहता है। यही प्रज्ञान घन है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार प्रज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, सज्ञान सब ब्रह्म के नाम हैं। केवल शुद्ध ज्ञान का होने से उसका अनुभव कैसे होगा? अनुभव सदैव विज्ञान से होता है। अस्तु अंतरकालीन शुद्ध मैं को प्रज्ञान घन के अनुभव हेतु दृढ़ता से पकड़ना आवश्यक है। जागृत अवस्था का मैं अशुद्ध है, अतः उस ऐसे अनुभव के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए अंतरकालीन मैं अथवा शुद्ध मैं का उपयोग है। इस शुद्ध मैं का साक्षात कैसे हो? विवेक चूड़ामणि के अनुसार विज्ञान कोश विल सत्य जृश्रम, वह विज्ञान कोश में सदा ही प्रकाशित हो रहा है।
त्रिपुरा रहस्य तथा अन्य ग्रंथों के मत से दो संकल्पों के बीच में जो संधि होती है वह शुद्ध अहम मैं के सदृश है। अतः शुद्ध मैं पर दृढ़ रहकर प्रज्ञान घन को लक्ष्य रखना चाहिए। इस प्रयास में ही वृत्ति है। इन सब का उपयुक्त कर्मानुसार स्थान है और यही साक्षात्कार कराते हैं। फिर विवेक चूड़ामणि में आत्मा को असत से परे अथवा असत से भिन्न बताया गया है। यहाँ असत जागृत अवस्था का अशुद्ध मैं है। असद विलक्षण का अर्थ है सत्य अर्थात सुषुप्ति की आत्मा। आत्मा को सत्य तथा असत्य दोनों से भिन्न कहा गया है। दोनों का एक ही अर्थ है वह ऐसे सर्व साक्षी भी है। यदि शुद्ध है तो अशुद्ध मैं द्वारा उसका अनुभव कैसे संभव है। मनुष्य कहता है मैं आनंद पूर्वक सोया, आनंद उसका अनुभव था। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस वस्तु का उसने अनुभव नहीं किया उसकी चर्चा कैसे करता। यदि आत्मा शुद्ध था तो उसने सुषुप्ति में सुख का अनुभव कैसे किया। वह शुद्ध है जो उसकी चर्चा अब कर रहा है। कहने वाला विज्ञान आत्मा है और वह प्रज्ञान आत्मा के बारे में कह रहा है। ऐसा कैसे ठीक हो सकता है। क्या यह विज्ञान आत्मा सुषुप्ति में विद्यमान थी। उसका अब सुषुप्ति के सुख के अनुभव का वर्णन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुषुप्ति में उसका अस्तित्व था। तब वह कैसे रहा। निश्चय ही जागृत अवस्था के समान नहीं था। वहाँ यह अत्यंत सूक्ष्म रहा। अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान आत्मा प्रज्ञान आत्मा के आनंद को माया वृत्ति द्वारा अनुभव करता था। यह शाखा पर शाखा व पत्तों के नीचे चंद्रमा की किरणें दिखने के समान है। इस अक्षण के प्रकट विज्ञान आत्मा को सूक्ष्म विज्ञान आत्मा अपरिचित प्रतीत होता है। हम सुषुप्ति में उसके होने का अनुमान क्यों करें। क्या हमें आनंद के अनुभव को अस्वीकार कर इस अनुमान को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। आनंद के अनुभव की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नींद की प्रबल इच्छा करता है तथा गहन निद्रा का आनंद लेने के लिए सुंदर शैया का प्रबंध करता है। इससे हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय सभी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हैं। यद्यपि उनकी सूक्ष्मताओं में अंतर है। अंतरकालीन अवस्था में अहम मैं शुद्ध है क्योंकि वहां इदम इसका विलीन हो चुका है। अहम मैं ही प्रधान है। उस शुद्ध मैं का हम सब साक्षात अथवा स्मरण भी क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उससे परिचय नहीं है। जागृति के साथ लक्ष्य लगाओगे तो उसे पहचान सकोगे। अतः जागृति के साथ प्रयत्न करो और उसे प्राप्त करो। अब यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 28 हम बातचीत संख्या नंबर 315 से शुरू करेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।